समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। महंगे डीजल पेट्रोल के बीच अब टोल की मार, जयपुर के 4 टोल पर 40 रुपए तक ज्यादा देने होंगे, नई दरें आज रात 12 बजे से। पावटा में चिकित्सक आत्महत्या मामले में चिकित्सकों ने पैदल मार्च कर किया विरोध प्रदर्शन। रिंगस में महंगाई के विरोध में कांग्रेस जनों ने जताया विरोध, पेट्रोल डीजल के जरीकनों को माला पहनाकर किया विरोध प्रदर्शन। और खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर में आज रात 12 बजे से 4 नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। इन 4 टोल पर लोगों को 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। इसमें जयपुर से टोंक, जयपुर से रिंगस और जयपुर रिंग रोड के 2 टोल बूथ शामिल है। जयपुर अजमेर और जयपुर दिल्ली और जयपुर आगरा बाईपास पर टोल की दरें फिलहाल नहीं बढ़ेगी। जयपुर टोंक राजमार्ग पर शिवदासपुरा के पास चंदलाई टोल पर कार जीप चालकों को आज रात 12 बजे से 100 रुपए की जगह 110 रुपए देने होंगे। वहीं एक दिन में आने जाने का टोल 155 की जगह 170 रुपए देना होगा। इसी तरह बस सामान्य ट्रक चालकों को 335 की जगह 365 रुपए वसूला जाएगा। इसी तरह जयपुर सीकर राजमार्ग पर टाटियाबास पर भी अब कार जीप चालकों को 65 रुपए और दोनों तरफ एक ही दिन में आने जाने के लिए टोल 95 रुपए लिया जाएगा। अब यह बढ़कर 70 और 105 रुपए हो जाएगा। इस तरह यहां बस ट्रक के लिए 215 रुपए का टोल लिया जाता है, जो बढ़कर अब 240 रुपए हो जाएगा। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट कस्बे में इलाज में लापरवाही का मामला दर्ज होने के बाद एक महिला चिकित्सक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले के विरोध में डॉक्टर्स लामबंद हो गए। चिकित्सकों ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को पावटा डॉक्टर्स एसोसिएशन, पावटा दवा विक्रेता संघ और पैरामेडिकल स्टाफ सहित ग्रामीणों ने पावटा घंटाघर के पास गणेश मंदिर पर इकट्ठे होकर स्वर्गीय डॉक्टर अर्चना शर्मा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और मैक्स इंजीनियरिंग हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर एसएम यादव के नेतृत्व में पावटा घंटाघर के पास गणेश मंदिर से लेकर सुभाष चौक तक विरोध मार्च भी निकाला गया। जोधपुर में महिला लक्ष्मी नगर मंडल की ओर से गणगौर गुड़ला त्यौहार मनाया गया। इस दौरान बैंडबाजे पर बग्गी में ईसर गणगौर की सवारी धूमधाम से निकाली, जिसमें देखने के लिए पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में ईसर का स्वाग गीतिका जागीड़ मीना माहेश्वरी और गणगौर का स्वागत शीतल जागीड़ ने किया। वहीं मोहल्ले की महिलाएं तिजनियां बनकर चल रही थी। आकर्षक ड्रेसों में सजी तिजनियां सर पर साफा बांधकर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। श्री गंगानगर नेशनल हाईवे पर सूरतगढ़ के समीप मानक सर के पास घग्गर नदी पर बने पुल की सड़क खाई में तब्दील हो रही है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। यही नहीं, गारंटी अवधि में सड़क से यह खाई आज नहीं बनी। प्रत्येक 4 से 6 महीने में यह खाई बनती रही और सड़क निर्माता कंपनी इस पर लीपापोती करती रही। आज वाहन चालकों की शिकायत पर डीपी के न्यूज संवाददाता ने मौके पर जाकर इस खाई को देखा तो दंग रह गए। सड़क के बीचों बीच करीब 8 इंच चौड़ी खाई बनी हुई है, जो करीब 300 मीटर लंबी है। दोपहिया वाहन चालकों ने बताया कि सड़क टोल सड़क है, इसके बावजूद भी इसकी स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। टोल कंपनी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे अंडर में नहीं, जबकि सूरतगढ़ के डिग्री कॉलेज से टोल सड़क शुरू होती है तो फिर मानक सर के पास घग्गर पर बनी सड़क टोल सड़क किसके अंडर में है। मानक सर के ग्रामीणों ने बताया कि सड़क में यह खाई बार बार बनती है, विभाग लिपापोती कर इसे दुरुस्त करवा देता है, लेकिन 4-5 दिन के अंतराल में यह फिर पुराने स्वरूप में आ जाती है। सड़क पर बनी खाई इतनी गहरी है कि यदि दोपहिया वाहन चालक किसी वाहन को क्रॉस करते समय बाइक का पहिया इस खाई में फंस जाए तो बाइक सवार की मौत निश्चित है। कोई अनजान इस सड़क से गुजरने वाला इसका शिकार हो सकता है। ग्रामीणों ने सड़क की खबर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी दी, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं बना। ग्रामीणों का वह वाहन चालकों के कहना है कि यदि समय रहते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसे गंभीर समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इस बीच कोई जनहानि हो गई तो इसका सीधा जिम्मेदार सड़क महकमा होगा।
सीकर जिले के रिंगस कस्बे में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जनों के द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कैलाश चंद बाजिया के नेतृत्व में कस्बे के बीकानेर बस स्टैंड स्थित पेट्रोल पंप पर घरेलू गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के जरीकनों को माला पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया। पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत व ब्लॉक उपाध्यक्ष सुरज्ञान धाबाई ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बढ़ती महंगाई के विरोध में महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत 3 चरणों में प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए मोटरसाइकिलों व घरेलू गैस सिलेंडरों को माला पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सभी जिला मुख्यालय पर महंगाई मुक्त धरना व जुलूस आयोजित होंगे। वहीं 7 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राजधानी जयपुर में महंगाई मुक्त भारत धरना व जुलूस आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसमें अतिथियों में मौजूद जिला प्रमुख कविता मेघवाल का मंच से नाम नहीं लिए जाने से जिला प्रमुख नाराज होकर कार्यक्रम बीच में छोड़कर चली गई। हालांकि अधिकारियों ने उनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह चली गई। इससे पहले कलेक्टर ने भी उनको कहा कि मैडम, जो होना था हो गया, इसलिए मत जाइए, बैठ जाइए। वहीं एडीएम अपनी सीट से उठकर जिला प्रमुख के पीछे हाथ पकड़कर कार्यक्रम से नहीं जाने को कहा, लेकिन जिला प्रमुख नहीं मानी और वहां से रवाना हो गई। जिला प्रमुख बोली, जो होना था हो गया। कार्यक्रम बीच में छोड़कर आने के बारे में पूछा तो कहा कि जहां पर मान सम्मान नहीं, वहां बैठने का फायदा क्या है। उन्होंने उनको जिले का जिला प्रमुख दिखाई नहीं दिया क्या। के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।